अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। हम मतलब हमारी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी दोनों की, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब भी ठीक है। कल शाम में हम गए थे दवे को, बट इस बार हमने आप लोगों को बताया नहीं अभी बता रहे हैं ठीक होने के बाद। तो जब से हम मनाली को गए हैं तब से बहुत लोग हमें डीएम कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि आपके मनाली का पैकेज कितना है, आपका खर्चा कितना आया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, डिटेल में ये भी आपको पता चलेगा कि हम कौन सी एजेंसी से गए थे, किसके थ्रू गए थे और हमको वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई थी उनके तरफ से। और आजकल कैसा है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो एजेंट्स लोग है ना सिर्फ पैसे खाने के पीछे पड़े हैं। तो हम कम बजट में एकदम आपको जेन्युइन जो है ना उनके बारे में बताने वाले हैं, जो कि हमारा एक्सपीरियंस है। तो वही हम सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर करें। हमारा बजट थोड़ा हाई गया था क्योंकि हमारा बहुत अलग अलग था, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका जो कम के जो है ना एकदम कम में आप मनाली अच्छे से घूम के आए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा, यह ना कि हमारा देखो हमारा बजट ना गाइस 1 लाख के ऊपर चला गया था, हमने भी उतना नहीं सोचे थे। हमें हमारा थोड़ा अलग था गाइस, फ्लाइट से गए थे। एक तो फ्लाइट का टिकट भी हमें महंगा मिला, जाना आना हमारा दोनों रिटर्न का भी फ्लाइट का ही था, और उसमें हमारा एक्स्ट्रा खर्चा इतना ज्यादा क्यों हुआ क्योंकि हम दिल्ली में 3 दिन रुके थे, तो वो वजह से भी थोड़ा बहुत खर्चा हो गया। लेकिन आप मत रुके जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ना ही रुके तो अच्छा और है। मैं ये भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोग फ्लाइट से भी ना जाए अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। सही बात, यही सब हम मतलब जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर हम लोग भी फ्लाइट अवॉइड करते थे तो आई थिंक हमारे 1 लाख क्रॉस नहीं होता था, हम लोग भी बजट के अंदर ही जाकर आते थे। वैसे तो हमारा बजट 50K था लेकिन डबल ट्रिपल हो गया कोई नहीं, चलो अभी बताते हैं क्या है कैसा है। समीर थोड़ा बता दो आप। तो पहले देखे यहाँ से अभी हम पुणे से मनाली जाना था तो हमें दिल्ली तो जाना जरूरी था। अभी हमारा वीडियो तो इंडिया में सभी जगह से लोग देखते हैं, तो अभी जहाँ से आपको सही लगता है वहाँ से जाते हैं। पर जो हमारा पैकेज है वो स्टार्ट हुआ था दिल्ली से। तो गाइस जो हमारा पैकेज है वो आपको हम लास्ट में उसका प्राइस बताएंगे, पहले हम बता दें कि उन्होंने हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की थी, ठीक है। तो हमारा जो पैकेज स्टार्ट हो गया था वो दिल्ली से स्टार्ट हो गया था। दिल्ली से हमारी 5:30 बजे की बस थी। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली में हम यहाँ से गए थे ना, तो हम सुबह मॉर्निंग में पहुंच गए थे। फिर वहां से हमने एक होटल लिया जो कि हमें कम बजट में हमें लगा, क्योंकि 5:30 बजे की बस थी तो हमें शाम तक ही चाहिए था। तो हमने 1000 से 1200 के अंदर की एक है ना होटल ली थी, और हमें जहाँ से बस पिकअप करने वाली थी वो था आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन, तो वही के आसपास में हमने होटल लिया था। तो फिर शाम में बस थी और वहाँ से हम बस पकड़े वोल्वो, और वो उसका टिकट भी हमारे पैकेज में ही इंक्लूड होता है। तो फिर बस से हम लोग मतलब आप कहीं से भी हो तो आपको पहले आना है दिल्ली, पहले ये बात माइंड में ले लो, पहले आपको आना है दिल्ली, देन उसके बाद आपको वहाँ से बस मतलब दिल्ली से ही जो पैकेज स्टार्ट होता है बस में बैठने के बाद तो उनका होता है। बस अभी बस में बैठते हैं, बस का टिकट भी आपको नहीं लगता है, वो पैकेज में इंक्लूडेड होता है आना जाना। फिर वहाँ से हम लोग निकले तो वो जो हमारी जर्नी थी वो 12 to 15 hours की होती है वो जर्नी बस वाली, तो उसमें जाना पड़ता है। उसके बाद फिर थोड़े स्टॉप्स वगैरह, एक दो स्टॉप्स लेती है बस अपने को डिनर वगैरह करने के लिए भी रुकती है। हाँ, वो डिनर वो पैकेज में नहीं है, वो पैकेज में नहीं है, वो आपको करना है। हाँ। लेकिन जब आप मनाली में रिच होते हो, जब आप मनाली में पहुंचते हो तो वहाँ पे आपको कैब ड्राइवर आता है, तो वो आपकी एक पर्सनल कार होती है गाइस, जो कि आपको वहाँ से पिकअप करके जो भी आप होटल रहेंगे, होटल भी अपने ऊपर रहता है कि चॉइस। हाँ, वो अपने को थोड़े बहुत ऑप्शंस देते हैं कौन सी होटल आपको चाहिए। तो हमने न्यू हार्मनी होटल चूज किए थे क्योंकि वो मॉल रोड से जरा नजदीक थी और हमको मॉल रोड ज्यादा मतलब हमने सोचे थे कि हम रात के टाइम पे शाम के टाइम पे वहाँ पे ऐसे जा सके इजीली, सो हमने वो नजदीक लिया था। तो वैसे आपको 2-3 ऑप्शंस देते हैं वो होटल की, फिर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड हनीमून पैकेज भी होता है एंड अदर मतलब ऐसा नॉर्मल पैकेज भी होता है। और बस जो आपको मनाली में ड्रॉप करेंगी वहाँ से कार वाले आपको पिकअप करेंगे, जो आपकी पर्सनल कार रहती है वो आपको जो भी आपका होटल होगा वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। फिर वो आपको थोड़ा टाइम देंगे कि जिस दिन आप जाते हैं ना उसी दिन आपका क्या सिटी साइट रहते हैं, जो कि 3 से 4 घंटे लगते हैं। मतलब मनाली आधा से आधा पूरा जो आप वहाँ पे देखने की चीजें हैं वो आपको दिखाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला क्योंकि हमारी बस 6 से 7 घंटे लेट हो गई थी।
और वो मतलब पहली बार ऐसा हुआ है गाइस, ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो आप लोग ऐसा सोच के ऐसा मत घबराना मत के नहीं जाना, क्योंकि हम लोग के साथ होना था वो। जब गए थे तब जाम हो गया था, तो एक जगह ही बस हमारी 4 से 5 घंटा रुक गई थी, बहुत ज्यादा स्नोफॉल भी था उस टाइम पे और बहुत हैवी ट्रैफिक था। जो मनाली से पहले, जो मतलब मनाली का घाट लगने के पहले ही हम लोग अटक गए थे बहुत देर तक के लिए, और जितना हो सके ना बस में अपनी नींद पूरी कर लो ताकि आप फिर हाँ है ना। हमें तो देखो बस में नींद आती ना, इसीलिए हम जाग के चले गए, लेकिन हमारे इज़ान ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नींद ले लिया था, बट हमारी नींद नहीं हो गई थी, इस वजह से हमें उस दिन ऐसे लगा ही नहीं कि जाना। बट हम गए होटल में, जाने के बाद फिर हम रेस्ट किए, फिर शाम में हमने हमारे कार वाले भैया को बोला कि आज तो हमारा बाहर जाने वाला नहीं, अच्छा होगा कि उसके लिए हम हमारे को मॉल रोड पे लेके जाइए। शाम में हम गए थे, फर्स्ट रील जब हमने अपलोड किया था मनाली का, तो फिर माल रोड गए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा शॉपिंग के लिए था और मतलब बहुत अच्छी वाइब्स थी वहाँ पर, खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी और मनाली का फूड भी अच्छा खासा ही है। और उसके बाद फिर हम होटल में पहुँचे, होटल में फिर हम लोग को जिस दिन हम पहुँचे उस दिन तो ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था हमारे पैकेज में, डिनर इंक्लूड था, तो होटल में अपने को सिर्फ ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइड किया जाता है, लंच अपने को नहीं देते, बिकॉज हम लंच के टाइम पे होते ही नहीं है होटल में, हम घूमते रहते हैं इज़न्ट इट, तो इसके लिए। और खाना भी कैसा होता है समीर बताएंगे। 3 दिन का आपका ब्रेकफास्ट होता है और 2 दिन का आपका डिनर होता है, और वो भी अनलिमिटेड, जितना आप खा सकते हो उतना खा सकते हो। और कितना टेस्टी था, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी था, जैसे कि आपने व्लॉग देखा होगा, इससे पहले हमने व्लॉग में भी बताया, बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो लंच की टेंशन मत लो, ब्रेकफास्ट आप इतना पेट भर के खाओ कि आपको लंच को भूख ही ना लगे, आराम से घूमो, फिर शाम में आके डिनर करो, उससे आपके पैसे भी बचेंगे, बाहर का भी आपको वहाँ पे खाना नहीं पड़ेगा। अगर भूख लगती है तो आप वैसे होटल वालों को भी ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हो बना के। हम तो मंगाते थे क्योंकि हमारे साथ में तो ईजान था, हम लोग लंच स्किप नहीं किए कभी, तो हम लोग को खा मतलब हम लोग होटल में मंगवा ही लेते थे। वैसे भी फरा ने बना के लेकर गए थे ना ईजान के लिए, वही अच्छा हो गया, घर का ही खाना मिला। तो ये एक दिन ऐसे चला गया, फिर दूसरे दिन आपको मेन जो है सोलांग वैली, बोलिए फरा। वो मनाली का मतलब मेन जगह है वो, जहाँ मनाली जाते ही क्यों है, बर्फ के लिए, बर्फ मिलती कहाँ है, सोलांग वैली में। तो वही कार जो रहती है वो दूसरे दिन आएंगे, सुबह जो आप टाइमिंग देंगे वो टाइम पे आएंगे, फिर आपको सोलांग वैली को लेके जाएंगे। बट हमारे टाइम कुछ गाइस ऐसा हो गया था, बताइए, बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल थी और ऊपर हम लोग तो चले गए, फिर भी चलो कार वाले भैया मतलब पुलिस लोग नहीं जानते रहते, ऐसा नहीं है कि कैब वाले ने नहीं लेकर गए, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया था। तो फिर हम लोग ने स्नो बाइक जो होती है ना वो हायर किए थे, फिर उस पर हम लोग गए, लेकिन ईजान को थोड़ा हमको डर लगा, ऐसा लगा कि ईजान इतना रो रहा है शायद उसको ठंड लग रही है, इसके लिए हमने थोड़ा भी एंजॉय नहीं किया था, हम तुरंत आ गए थे। बट अगर ज्यादा स्नो नहीं गिरती है तो वो कार वाले आपको पूरा लेकर जाएंगे, और अगर नहीं ले जा सकते तो वहां से ना स्नो बाइक मिलती है, वो कितना, अगर अभी देखिए हम 3 लोग थे तो हमारा 3000 में वो हमें ऊपर लेके जाएंगे, फिर जब तक आपको एंजॉय करना है आप एंजॉय करें, भी होती है। हाँ, 4 सीटर भी होती है, फिर उनके वो साथ ही आपको वापस से नीचे छोड़ देंगे, 3,500 से 4,000 बोलेंगे, लेकिन अब 3,000 के अंदर डन कर लेना, बार्गेनिंग हो जाती है वहाँ पे अच्छे से। तो हमारा दूसरा दिन भी ऐसा गया, हम गए थे इतने पैसे खर्चा करके ऊपर गए थे, तो इस दान की वजह से हम वापस आ गए। और तीसरे दिन हमारा जो पैकेज रहता है वो कुल्लू और कुल्लू के मतलब। हाँ, वही का कुछ दिखाना था, कुल्लू भी जाना था, तो हमने सोचा कि कुल्लू जाने से अच्छा है कि हमने बर्फ तो एंजॉय नहीं किया था। उसके दूसरे दिन हम वापस से, मैंने कार वाले भैया को बोला कि हमें कुल्लू नहीं जाना है, फिर से सोलांग वैली को जाना है, तो दूसरे दिन हम वापस से सोलांग वैली के लिए निकल गए थे। हाँ, फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फिर एकदम टॉप में नहीं गए, नीचे ही थोड़ा बर्फ था तो ऐसा ग्राउंड था, वहाँ पे भी अच्छी खासी सब कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, जैसे कि याक राइड वगैरह जो भी हमको चाहिए था, तो हम लोग बोले ठीक है चलो अभी यहीं पे एंजॉय करते हैं, बर्फ खेलने से मतलब यार आए इतने दूर है और बर्फ ही नहीं, हम दोनों का तो मूड इतना स्पॉइल हो गया था ना उस दिन, तो बहुत ज्यादा हो गया था बहुत। लेकिन सबसे मेन बात क्या है ना गाइस, आप पैकेज कौन सा लेते हो और कैसा लेते हो वो डिपेंड करता है। अभी हम लोग ने जो है ना वो हमारे मतलब मेरे जैसे खाला का पूरी फैमिली गई थी मनाली, तो वो लोग वो ही पैकेज से गए थे, उन्होंने वो एक्सपीरियंस लिया था, फिर हमने उनसे ही गाइडेंस लेके फिर हम लोग भी चले गए, तो हमने सोचा कि आप लोग भी हमारी फैमिली है तो चलो हम आप लोगों के साथ में भी ये शेयर करते, ताकि इसीलिए मैं कमेंट में ज्यादा किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा था इस बात पे, क्योंकि हमें इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बताना था, क्योंकि जिससे आपको भी पूरा अच्छे तरीके से समझे कि कैसा पैकेज होता है।
फिर देखो सोलंग वाली को जा सकते हैं कार वाले लेके, लेकिन वो हमारी सेफ्टी की वजह से, क्योंकि उस टाइम ना बहुत ज्यादा स्नो गिर रही थी, कार ना जो कार चलाते ना उसका ब्रेक भी नहीं लगता है, ऐसे बहुत सारे हादसे वहाँ पे हुए, इसीलिए पुलिस वाले अपनी सेफ्टी के लिए हमें मना करते हैं। बट वो स्नो बाइक रहती है ना वो बहुत अच्छी रहती है, उससे भी आप जा सकते हैं, मजा आता है। और जो नीचे ग्राउंड में हम दूसरे दिन भी हमें सोलंग वैली नहीं मिला क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई थी और 5:30 बजे की हमारी बस थी, हमारे भैया तो लेकर जा रहे थे हमको, हमने मना किया, हमने बोला कि नहीं हमको यहीं पे खेलना है और उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसी दिन अपने को निकलना था ना 5:30 बजे बस थी हमारी। और नीचे भी जो ग्राउंड था ना वहाँ पे भी सभी एक्टिविटी थी यार, फिर हमने बोला यही पे एंजॉय करते, सब था। तो आपने लास्ट हमें देखा, हमने यार्क राइड वगैरह किया था ना वहाँ पे, बहुत एंजॉय किए। फिर वहां से हम, अभी टाइम बहुत था हमारे पास, तो हम सीधा मॉल रोड चले गए, वहाँ थोड़ा एंजॉय किए। और जब हम गए थोड़े घूमे हम, उसके बाद इतनी ज्यादा स्नो गिरने लगी गाइस, बहुत बहुत मजा आ रहा, बहुत अच्छा लगा, है ना, बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल जो आप लोग भी अगर जाना चाहते हो तो हम आप लोगों को वो पैकेज का जो प्राइस है, अमाउंट है, वो बता देते हैं, ताकि बताएंगे आप... अभी आगे बताएंगे, अभी कुछ बताना है। और अच्छा। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि सबसे बेस्ट टाइम या मंथ कौन सा है मनाली जाना। गाइस देखिए, हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप फरवरी के मंथ में ही जाइए, मिडल के वीक में, जैसे कि होगा 15 से 20 और 21, क्योंकि जब हम गए थे ना इतनी ज्यादा स्नो थी ना, इससे पहले हमारे भाई भाभी भी गए थे मार्च में, तब उनको इतना ज्यादा है ना, मतलब अच्छा था, लेकिन किए थे लेकिन स्नोफॉल नहीं मिला। हाँ, उनको लाइव स्नोफॉल हम देखते हैं ना अपनी आंखों से गाइस, वो बहुत अच्छा लगता है यार। और जो हम होटल में रुके थे न्यू हारमनी, जब भी हम उसकी गैलरी ओपन करते थे ना, सामने हमारे ऐसे स्नो दिखता था, तो हम भी अगर हम ओपन नहीं भी करते थे तो वो ग्लास में से दिखता था। तो ये भी एक बेस्ट होटल है गाइस, फिर भी देखो अगर वो उसको चॉइस देते हैं आपको, हाँ, होटल की सोलंग रिसॉर्ट है, बहुत सारे मतलब वो देते हैं अपने को चॉइस, पर ऐसा ले लो जिससे कि आपको बाहर का व्यू एकदम से गैलरी से दिखे और स्नो का भी आप मजा ले सके। तो फरवरी का मंथ सबसे बेस्ट है अगर आपको जाना है तो, वो मंथ में आप जा सकते हो। और हमने न्यू हारमनी होटल, मेरा चूज करने का क्या रीजन था कि वहां पे से ना ऐसे माउंटेन्स दिख रहे थे, पूरे पूरे ऐसे बर्फ से भरे भरे से, तो इसीलिए मैंने वो वाला चूज किया था। और हमारा तो ऐसा कुछ हनीमून पैकेज नहीं था, लेकिन वो ऐड कर दिया था हमारे भाई ने, मतलब रिक्वेस्ट करके उसके तरफ से उसने वो ऐड किया था, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत मजा आया, बहुत अच्छी चीज जगह है, मतलब घूमने के जैसी, फैमिली के साथ में जाने के तो बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा। और ज्यादा करके तो है ना वहाँ पे, लेकिन न्यूली मैरिड कपल्स जो थे ना वही थे वहाँ पे, फैमिली से जो बस में अब जाएंगे ना आपको सब वही मिलेंगे, न्यू कपल ही मिलेंगे, एक हम ही थे, एक दो तीन कपल थे जो अपने बच्चों को भी लेकर गए थे साथ में। और जितना हो सके उतने गर्म कपड़े लेके जाइए गाइस, हमने हमारे शॉपिंग का व्लॉग भी बनाया है, वो भी देख लेना, उसमें हमने क्या क्या लिया है, खास करके फरा ने ईजान पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। और बच्चों को अगर आप लेके जाने का सोच रहे हो तो मैंने रेसिपीज बताई है, वो आप ट्राई करके और वो अपने साथ में जरूर कैरी करो गाइस, मैंने हर एक चीज बताई है कि क्या क्या मैंने ईजान के लिए लेकर गई हूँ, ताकि वहाँ पे जाने के बाद हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना बच्चों को लेके जा रहे, मतलब क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है गाइस, 3-4 कपड़े पहनने के बाद भी ठंडी लगती है। और हम लोग ने हमारे रूम में हीटर भी लिया था, लेकिन हीटर का चार्ज एक्स्ट्रा हमको पे करना पड़ा, वो पैकेज में नहीं आएगा, अगर आपको चाहिए तो 1 night का 400 उसका था, तो हमने 450 था, तो हमने 2 दिन के लिए वो लिए थे क्योंकि बच्चा भी था हमारे साथ में, इसीलिए अगर आपको सही लगता है तो आप ले सकते हो, या तो फिर आपके आप लोग मतलब आप कौन से सीजन में जाते हो, ऑल डिपेंड ऑन दैट। तो अभी प्राइस बता दो फरा अभी आप। तो हमारा पर पर्सन का प्राइस था 7000, मतलब मेरा 7000, समीर का 7000, ईजान वाज फ्री 14000। 14000 में पूरे पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है अभी वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से बस आपको पिकअप करेंगी, मनाली को ड्रॉप करेंगी, फिर मनाली से जो कार आएंगी वो आपकी पर्सनल रहेंगी, वो भी अपने पैकेज मतलब में इंक्लूड होगा। मतलब ऐसा नहीं, देखो दिल्ली से मनाली पिकअप ड्रॉप ये सर्विस आपको मिलेंगी, फिर रूम में आपको ब्रेकफास्ट डिनर की सर्विस आपको मिलेंगी, रहना जितने भी दिन का है वो, फिर कैब की सर्विस मिलेंगी आपको, सब कुछ मनाली में घुमाने की सर्विस आपको मिलेंगी, आपको अपनी एक पर्सनल कार मिलेंगी, ये सब मिलेगा और इतने कम बजट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और रिटर्न भी सेम वही पैकेज में आता है, वापस वो कार वाले आपको मनाली के बस स्टॉप पे ड्रॉप करेंगे, फिर बस वहां से लेके आपको दिल्ली को छोड़ देंगी, फिर उसके बाद आपका पैकेज खत्म होगा, दिल्ली से स्टार्ट होगा और दिल्ली पे ही आपका पैकेज खत्म होगा। और उसमें होटल का भी चार्ज, आप कंफ्यूज होते हैं कि होटल का भी चार्ज पैकेज में ही इंक्लूड है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज है, अगर आप हमारा नाम लेके अगर बुकिंग करते हो, सैम फरा, जैसे कि अभी आप पहचानते हैं हमें, समीर फरही बोलिए,
तो नीचे मैं उनका नंबर दे दूंगा आपको। पवन का नंबर है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट भी करते हैं हर एक चीज का। तो उनका नंबर मैं नीचे भी दे दूंगा डिस्प्ले पे, अगर किसी को भी पैकेज बुक करना है तो वो कर सकते हैं। जो भी हमारा नाम यूज करके पैकेज बुक करता है तो उनको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है पर पर्सन, मतलब 6500 में आपका पैकेज बुक हो जाएगा, और मतलब 13000 में आपका, है ना, हाँ, 13000 में आपका मनाली का ट्रिप हो जाएगा। उसके ऊपर का खर्चा वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, जितना हो सके उतना कम में करने की कोशिश करिए, हमारी तरह इतना ये मत कीजिए। नहीं, हम लोग ने भी मतलब जो लगता था वो ही जेन्युइन खर्चा, फ्लाइट का मेन ज्यादातर जाना फ्लाइट का ही आ गया, तो आप ट्रेन से जाइए बेस्ट है। फ्लाइट से जाने का हमारा मतलब एक अपना ही था, अपना सपना था, जैसे फर्स्ट टाइम हम बैठ रहे थे, ठीक है, हमने सोचा था कि छोटी वाली फ्लाइट में पहले ट्राई करेंगे कैसा लगता है। छोटी वाली कैसी रहती है? अरे मतलब छोटी वाली मतलब नहीं, स्मॉल डेस्टिनेशन। अच्छा, हाँ हाँ, जो जर्नी होती है ना, ये मुझे बोल रहे थे कि यार कितना जल्दी खत्म हो गया सफर, खुद ही बोल रहे यार मेरे को ना और लंबा सफर लेना था। इंशाल्लाह हम लंबा सफर उम्रे का करेंगे। तो गाइस इसीलिए हम लोग आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमने सोचा था कि आपको डिटेल में बताएं, क्योंकि कमेंट में बताने में उतनी अच्छे से मतलब समझ नहीं आती है, सो हमने सोचा था कि वीडियो में आपको डिटेल दे दे पूरी। तो आई होप आप लोगों को ये डिटेल पूरी मिल गई होंगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि दिल्ली में कहाँ रुकना सही है, जहाँ पे देखिए अभी जहाँ पे आपको मतलब जैसे आपको शॉपिंग करनी है तो आप पहाड़गंज ही रुके, अगर आपको पहाड़गंज ही आपको सही लगेगा, क्योंकि आपका बस का जो पिकअप है ना, हाँ, वही है, जितना आप बस के पिकअप के नजदीक होटल लेंगे ना आप, उतना आपका भी पैसा भी बचेगा। तो चलिए गाइज यही था, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय। अभी रमजान भी आ रहा है तो रमजान के अच्छे अच्छे ब्लॉग भी आएंगे।